तमाम विद्युत कर्मचारी हमारे परिवार के अंग हैं। जब परिवार में कोई उत्सव हो, जब परिवार में कोई कार्यक्रम हो, अधिवेशन हो, आपका ये उत्सव है। ये दो दिन का मैं समझता हूँ कि आपकी 45-47 साल की यात्रा में जो आपका एम ए खान साहब को उस समय की तत्कालीन सरकार ने पिथौरागढ़ के जेल में उनको बंद कर दिया था और ठंडक थी, काफी ठंडक थी पिथौरागढ़ के जेल में। तो हम लोग का उस समय जो था 1,00,000 कर्मचारी हुआ करते थे, कर्मचारी इंजीनियर मिलाकर के 1,00,000 हुआ करते थे। तो हम लोग नारा देते थे 1,00,000 एक साथ चलो, 1,00,000 एक साथ चलो। और खान साहब को हमारे बेगम हजरत महिपाल के सम्मेलन में उस समय की तत्कालीन मंत्री से हमारे संगठन ने अनुरोध किया कि एम ए खान साहब को सवेतन बहाल करो, सवेतन बहाल करो। और एम ए खान साहब सवेतन बहाल होकर के आए और सरोजनी नगर में प्रमोशन वगैरह पा गए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर। वो सरोजनी नगर ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट के वो डायरेक्टर भी बने। धन्यवाद। आपने वास्तव में अपने स्वागत भाषण में जो मजदूरों की कठिनाइयों को रखा है कि आज के समय में ये हमारे संविदा के मजदूर जो 8,000 करोड़ से 12,000 रुपया पाते हैं, तमाम समस्याओं को आपने सुना है, क्या कुछ समस्याएं थी और क्या कुछ आपने घोषणाएं करी है? उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग से जुड़े हुए विद्युत मजदूर पंचायत के इस 24वें द्विवार्षिक अधिवेशन में मुझे आने का संयोग बना, मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं इस संगठन के पंचायत के महामंत्री माननीय गिरीश पांडे जी का, माननीय उपाध्याय जी का जो उसके अध्यक्ष हैं, तमाम जो उसके पदाधिकारी गण हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस मौके पर उन्होंने याद किया। विद्युत कर्मचारियों के साथ मेरा वार्तालाप हमेशा चलता रहता है। मैं उनके साथ जितनी बार भी जहां भी हमें बुलाया जाता है मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं। इसके पहले भी मैंने कई बार उनके साथ बैठने की कोशिश की है, उनके नेतागण के साथ भी मैं बार बार बैठने की कोशिश करता हूँ। आज के अधिवेशन में जहाँ एक तरफ विद्युत मजदूर पंचायत के नेतागण ने सरकार को पूरी तरह से अपना समर्थन दिया है, अपना पूरा प्रोत्साहन दिया है सरकार को अपने कार्यों में, उन्होंने यहाँ तक कहा कि मार्च के महीने में हड़ताल अनावश्यक थी, आवश्यक नहीं थी, ये सब बातें हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों के हित में जो मुद्दे उठाए गए हैं, चाहे वो संविदा कर्मचारियों के वेतन विसंगतता की बात हो, चाहे जो कर्मचारी दुर्घटनावश मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनकी उस परिस्थितियों में क्या बेहतर करने की आवश्यकता है, जो कैशलेस इलाज की सुविधा है इसकी भी बात यहाँ हुई, कर्मचारियों पे जो कुछ उत्पीड़न की कार्रवाई हुई है पिछले हड़ताल के संबंध में उस पर भी बातें हुई। इन सारी बातों पर मेरा मन बहुत ही खुला हुआ है। मैंने आश्वस्त किया है इन लोगों को कि इन सारे मुद्दों पे खुले मन से विचार किया जाएगा, आवश्यकता पड़ेगी तो इनके नेतागण के साथ हमारे अधिकारीगण और मैं स्वयं फिर से बैठूंगा। जहां कहीं रास्ता नहीं दिख रहा होगा वहां उन्हीं लोगों से मार्गदर्शन लेकर के हम रास्ता निकालेंगे। स्वस्थ वातावरण में जब कोई चर्चा होती है तो हर समस्या का कोई न कोई इलाज मिल जाता है, हर कोई समस्या का कोई न कोई समाधान मिल जाता है। तो इस प्रकार एक बहुत ही स्वस्थ वातावरण में आज के मजदूर पंचायत के इस अधिवेशन में मैं शामिल हुआ। मुझे ये अधिवेशन और यहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमेशा मेरे जीवन में मैं याद रखूँगा और साथ ही मैं इसके नेतागण को, इसके इससे संबद्ध सभी कर्मचारीगण को और साथ ही जो अन्य जो यूनियनों ने जो इनका समर्थन किया है, HMS हो चाहे अभियंता संघ हो, उन सबको भी मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि कर्मचारियों का हित सर्वोपरि है। मैं उन्हें अपना परिवार का अंग मानता हूँ और उस भावना से ही मैं उनकी भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए
हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर हूँ, हमेशा उपलब्ध हूँ और आप जब चाहें हमसे मिल सकते हैं, हम लोग मिल करके उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। विद्युत मजदूर पंचायत का 24वां द्विवार्षिक सम्मेलन आज गन्ना संस्थान में किया गया और हमारे साथ बात करने के लिए महामंत्री गिरीश पांडे जी मौजूद हैं। सर, आज जो सम्मेलन किया गया उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे ऊर्जा मंत्री, नगर विकास मंत्री ए के शर्मा जी मौजूद रहे। आप लोगों ने अपनी समस्याएँ रखी, क्या कुछ समस्याएँ उनके सामने रखी? हमने वो सारी समस्याएँ रखी जो पिछले दिनों हम लोगों ने कार्य बहिष्कार, 3 दिन के कार्य बहिष्कार में जो समस्याएं रखी थी, उस सारी समस्याओं को चर्चा किया गया विद्युत मंत्री के बीच में। और सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि हाई कोर्ट के वजह से तमाम हमारे जो इस कार्य बहिष्कार में, 3 दिन के कार्य बहिष्कार में उतरे थे कर्मचारी या इंजीनियर, उनका उत्पीड़न हुआ है। तो उस उत्पीड़न में चूँकि जो है वो, चलिए ठीक है, जो हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार था, उसके अलावा जो उन्होंने तमाम उत्पीड़न कर दिया है, चेयरमैन साहब आए नहीं हमारे वजह से, जो भी डर के वजह से या जिसके वजह से, तो वो जितना उत्पीड़न बढ़ा दिए हैं उस सब को हम लोग बारी बारी लिपिबद्ध दे करके मंत्री जी को दिया गया है। और उन्होंने इस सम्मेलन के माध्यम से कहा है कि हम निश्चित है कि वो सारे उत्पीड़न को समाप्त करेंगे। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट इस सम्मेलन के माध्यम से उत्पीड़न को समाप्त कराने का। जहाँ तक सवाल है मांगों का, तो उन्होंने कैशलेस की बात को स्वीकार कर लिया है कर्मचारियों को भी। और दूसरी बात, उन्होंने संविदा के कर्मचारियों पर बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि भाई हम कोई नया टेक्निक खोज रहे हैं कि सीढ़ी लेकर के जो आपका पेट्रोल मैन है, लाइन मैन चढ़ता है और चढ़ने पर तुरंत वो गिर के उसका मृत्यु हो जाता है और उसका परिवार वगैरह सब संकट में आ जाते हैं। तो इस पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि हमारा मजदूर जो है न मरने पावे न गिरने पावे, ऐसा भी विचार उन्होंने करने के लिए कहा है। तो इन सब बातों के ऊपर सबसे बड़ा जो इस सम्मेलन के माध्यम से मैसेज जा रहा है कि जो जहाँ जहाँ पर भी उत्पीड़न किया गया है, उस उत्पीड़न पर गंभीरता से विचार करेंगे और उस उत्पीड़न को दूर कराने का भरपूर प्रयास करेंगे, ऐसा मंत्री जी ने इस सम्मेलन के माध्यम से घोषणा किया। महामंत्री जी, अगर बात करें संविदा कर्मियों के वेतन की, तो उसके ऊपर भी ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बात कही कि हम देखते हैं कि जो संविदा कर्मी हैं उनमें वेतन में काफ़ी डिफरेंस है, इसके बारे में भी उन्होंने बोला। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि इस समय किसी जमाने में 1 लाख कर्मचारी और इंजीनियर हुआ करते थे, आज घट करके 30 से 35 हज़ार रह गए हैं। तो जो भी काम है सब ये संविदा के ही कर्मचारी से, जहाँ सब इस जगह में जाइए वहाँ संविदा ही मिले। तो सबसे बड़ी गंभीरता इस सम्मेलन में संविदा के कर्मचारियों की हुई है। उनके एक्सीडेंट के ऊपर भी विचार किया है उन्होंने कि नया कोई चीज़ सोचा जाएगा। और जो एक समान, पहले तो उन्होंने समान कह दिया कि कहीं पर कुछ मिल रहा है, किसी जिले में कुछ मिल रहा है, तो उसको एक समान करने की बात किया है। और कम से कम 18,000 हम लोग की मांग है कि 18,000 इनको मिलना ही मिलना चाहिए। इस पर भी विचार करने के लिए उन्होंने खुल करके कहा है कि हम विचार करेंगे। तो ये सम्मेलन पूर्ण रूप से सफल रहा है। ऊर्जा मंत्री जी के दिए गए आश्वासनों को हम लोग भरपूर उसका लाभ उठाएंगे, ऐसा हम लोगों ने विश्वास किया है कि ऊर्जा मंत्री जी हम लोग के साथ निरंतर डायलॉग करने के लिए भी उन्होंने घोषणा किया। तो हम अपनी मांगों को लेकर के हमेशा उनसे मिलेंगे और जितनी भी समस्या हमारी रह गई है वो सबको दूर कराने का प्रयास करेंगे, यही सम्मेलन का मैसेज। जिस तरीके से संविदा कर्मियों के लिए आपने मुख्य मुद्दा उठाया था कि उनको नियमित करा जाए, तो इसके ऊपर ए के शर्मा ने कहा कि हम विचार करेंगे, तो ये क्या मांग जो है आपकी लगातार जारी रहेगी? देखिए, ये तो है ही है कि जो भी नियुक्तियाँ होनी है तो हम संविदा के ही कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो हमारी इसी के एवज में मांग थी कि संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाए। तो हम कहते हैं कि भाई चलिए आप पहले तो जो है उनके मानदेय, उनका वेतन तो एक समान कर दें और वेतन कम से कम 18,000 रुपया मिनिमम होना चाहिए, जैसा कि परिवहन निगम वगैरह में भी दिया जा रहा है उनके जो है कंडक्टर को, उनके ड्राइवर को। तो हम चाहते हैं कि पहले एक समान कर दिया जाए और कम से कम मिनिमम जो है 18,000 रुपया इनका होना चाहिए और फिर इसके बाद वो रेगुलर करने की बात भी की प्रक्रिया में ले आएं। तो 18,000 से कम किसी भी संविदा कर्मचारी का वेतन नहीं होना चाहिए,
ये हम लोग की मांग है। सर एक मुद्दा उठा हुआ है बहुत जोरों शोर से, जिस तरीके से जो बाहर ट्रेड यूनियन का पोस्टर लगा के प्रचार कराया गया था कि मजदूर पंचायत होने वाली है, विद्युत मजदूर पंचायत होने वाली है, उसमें पार्टी विशेष का लोगो दिख रहा है और उसमें नहीं देखिए ये तो गलती से हो गया है। नहीं वो हमारे जो संयोजक जी हैं जो मंत्री जी के बहुत खास हैं, तो वो चूंकि जो है पी एन तिवारी जी बैठे हैं, तो पी एन तिवारी जी चूंकि भाजपा के हैं तो उन्होंने जो है ये लगा दिया लोगों को भाजपा का, तो वो भाजपा के हैं। लेकिन क्या मानते हैं इसको आपकी नज़र में ये गलत? नहीं ये बिल्कुल गलत है, ये हम इसको बिल्कुल गलत मानते हैं। कोई ये हमारा कोई राजनीतिक कोई हमारा संबंध किसी भी पार्टी से नहीं है। हमारा ट्रेड यूनियन है, हिंदू मजदूर सभा है और पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मजदूर सभा किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। और सारे के सारे हिंदुस्तान में कोई भी आप देख लीजिए, चाहे रेल हो, चाहे बस हो, चाहे जहाज हो, चाहे पानी वाला जहाज हो, सब जगह हिंदू मजदूर सभा का ही है। तो हम हिंदू मजदूर सभा के नाते हम इसको कंडम करते हैं कि जो आपने देखा होगा होल्डिंग भारतीय विद्युत मजदूर पंचायत के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो हम इसको बिल्कुल कंडम करते हैं। वो गलत जो लगाने वाला होल्डिंग लगाने वाला गलत लगा दिया है, उसको ये मालूम नहीं था कि एक मजदूरों का सम्मेलन है। उसने सोचा कि वो जो वहाँ पर लगाया था उसने क्या नाम है अरे इसके पहले लगाया था, तो उसी होल्डिंग को इसने लगा दिया कि विद्युत मजदूर पंचायत को समझ करके नहीं लगाया, तो ये हम उसका कंडम करते हैं। हमारे साथ महामंत्री गिरीश पांडे जी मौजूद थे, विद्युत मजदूर पंचायत थी और 24वां द्विवार्षिक सम्मेलन मनाया जा रहा था, जिसको लेके तमाम मुद्दों पे आज बात करी गई। ऊर्जा मंत्री, नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने कई जो घोषणाएं थी वो करी। दिन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन ईशान खान के साथ आकिम राज खान।